Good morning, viewers. Namaskar. मैं अमित सिंह न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर से. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बाईपैप और सीपैप का मास्क क्लीन कैसे करना होता है, उसी तरह हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो बाईपैप सीपैप मशीन के साथ जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको क्लीन कैसे करना होता है. बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके मन में डाउट्स होते हैं, ये इनको पता भी नहीं होता ह्यूमिडिफायर को क्लीन भी करना है. इसको साफ करना होता है, हर 15 दिन में एक बार साफ करना है. और जो इसका ट्यूब होता है, इस ट्यूब को भी हर 15 दिन में एक बार इसको क्लीन करना होता है. वो क्लीन कैसे करना होता है आज हमको बताने जा रहे हैं. सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ह्यूमिडिफायर है. ये सीपैप का ह्यूमिडिफायर है. इस चैम्बर को ऊपर रखना है. इसके बाद हम चैम्बर बाहर निकाल देंगे. इसे आपको पता है पानी मैक्सिमम लेवल थोड़ा सा नीचे रखते हैं. क्लीन करने के लिए इसको खोलना है और खोल के इसको हम, हमारे पास पानी होता है, पानी में थोड़ा सा हम डिटर्जेंट जेल डालते हैं इसमें और इसको थोड़ा झाग बना के और फिर ये चीज इसमें डाल देंगे हम. वैसे ही हमारे पास एक और ह्यूमिडिफायर है, इसको भी हम क्लीन करके इसे डालते हैं. तीसरा ह्यूमिडिफायर हमारे पास रेम स्टेशन ऑटो सीपैप का है. ये इसका चैम्बर निकालेंगे. इस चैम्बर को भी हम पानी में ऐसे डाल लेंगे और डालने के बाद थोड़ा सा इसको हमें हाथों से क्लीन करना है. इसके नीचे हीटेड प्लेट होता है, इसको क्लीन करना जरूरी है, तभी ये प्लेट हीट होगी और आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी. ये तो ह्यूमिडिफायर हो गया. ये रहा सीपैप और बाईपैप का ट्यूब, दोनों सेम तरह होता है. इसको भी इस ट्यूब में डालना होता है पानी में. अच्छा, इसमें थोड़ा पानी भर लेंगे होल में ट्यूब के और दोनों मुंह को क्लोज करके इसको ऊपर नीचे ऐसे कर देंगे और फिर इसको बीच से पकड़ के इसका डिटर्जेंट वाला पानी बाहर निकाल देंगे हम. इसके बाद सारे ह्यूमिडिफायर को एक एक बार अच्छे से क्लीन करके और साफ पानी से इसको धो लेना है 3 या 4 बार. धोने के बाद फिर इसको हम छाए में रख देंगे या फिर अब हेयर ड्रायर होता है हर घर में, उस ड्रायर के थ्रू हम इसको सुखा के फिर ह्यूमिडिफायर में प्रॉपर लगा लेंगे. और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं. हमारा वेबसाइट है www.neurologysleepcenter.com. थैंक यू.